है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि डीप लर्निंग कोर्स को आखिर हिंदी में बनाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि डीप लर्निंग जानने के आज के बहुत फ़ायदे हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स। जिस किसी को ये सब स्किल्स आती हैं, जो कि बहुत आसान है माइंड यू, इनको समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का काम कर सकती है हमारे देश में। अभी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के लिए, तो जिनको ये स्किल्स आती हैं वो बेसिकली काफ़ी एज पे रहेंगे। तो डीप लर्निंग सीखने से एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। देखिए, अधिकतर हम लोग उतने इंग्लिश के साथ अभी फ्रेंडली नहीं है, समझ में आती है ठीक है, लेकिन वो जो एक बात होती है ना कि भाई एट होम हो हम जिसके साथ, वो वाली बात अभी तक इंग्लिश एटलीस्ट सबके साथ तो नहीं है। तो ऐसे में अगर सारे कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे, और वो भी डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ, कि भाई जब हम इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट डिफरेंट होता है, फिर आप किसी यूएसए वाले की सुनेंगे तो वो अंग्रेज़ी एकदम अलग ही होगी, यूके वाले की सुनेंगे तो वो अलग ही होगी, किसी यूरोपियन की सुनेंगे तो अलग ही होगी, चाइनीज़ की अलग ही होगी, ऑस्ट्रेलियंस की अलग ही होगी। तो ऐसे में हम अपनी लैंग्वेज को क्यों अबंडन कर देते हैं, राइट? तो इवन तो समझ में आती है हमको, हम उतने फ्रेंडली नहीं हैं, तो हमने सोचा कि ये एक कोर्स हिंदी में भी हो जाए। हिंदी में वैसे भी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है डीप लर्निंग पे। आप देखेंगे कि इंटरनेट एकदम पूरा अटा पड़ा है अंग्रेज़ी में डीप लर्निंग पे। आप चाहे वो यूएस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हुए, चाहे कोर्सेरा पे कोर्सेज हुए, आप बहुत सारा पाएंगे मटेरियल इंग्लिश में डीप लर्निंग पे, बट आपको हिंदी में एटलीस्ट एक पूरे कोर्स की तरह बड़ा सा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सोचा कि इस चैनल के थ्रू इस गैप को भी ख़त्म किया जाए। देखिए, लैंग्वेज जो है वो किसी भी सीखने के लिए बैरियर नहीं होना चाहिए। तो हमारे देखिए बहुत सारे ऐसे कोडर्स हैं जिनको अंग्रेजी भले ही ढंग से समझ में ना आती हो, लेकिन वो कोडिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं। तो ये कोर्स जो है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होने की संभावना है। एंड देन फाइनली, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का कमेंट है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, देखिए हमने क्या किया है ना कि हम न तो अंग्रेज़ी के ही हो पाए और ना ही हम हिंदी के रह पाए। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ दी नेशंस, चाहे वो मतलब जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस है, चाहे जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, चाइना हो, ये सब इस बात को मानते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने भी अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ दिया है अंग्रेज़ी के लिए। हमने क्या किया है कि हमारा पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है अंग्रेज़ी में होता है, जबकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ दी जनता जो है वो अभी भी हिंदी में या फिर जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा बेहतर महसूस करती हैं। तो ऐसे में सब कुछ, चाहे वो IITs हों, चाहे वो अपने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, सब कुछ जो होता है मोस्टली अंग्रेज़ी में होता है। तो हमने हमारी हायर एजुकेशन को भी थोड़ा सा एक लैंग्वेज के प्रति बायस कर रखा है। तो हमारा जो गोल है वो एक ये भी है कि हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन डीप लर्निंग जो है वो हिंदी में भी, एक जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा जो है, एग्जैक्टली हिंदी तो हम भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा है जो सभी हिंदी भाषियों को समझ में आनी चाहिए, वो उस पर एटलीस्ट कोर्स मटेरियल अवेलेबल हो। अगर आप इस फिलॉसफी से, इस एफर्ट से आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा भी, देखिए हम मेहनत तो इसमें काफ़ी कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी ये किसी आपके काम का है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड देन ये वर्ड्स किसी और के पास भी पहुंचाइएगा। धीरे धीरे देखिए हम और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि डीप लर्निंग से रिलेटेड, चाहे वो उसकी प्रीरिक्विजिट्स हो, चाहे वो एडवांस डीप लर्निंग हो, वो सारा इस एक जगह पे हर किसी को अवेलेबल हो। थैंक यू।